भाई ये है जी, मार्केट कमेटी के रेट ले रहे हैं जी, क्या चीज़ क्या रेट पे बिक रही है, तो आज आपको देख रहे हैं जी। यहाँ से फिर रेट कंपाइल होके रहीमिया खान जाते हैं, वहाँ से फिर लिस्ट बनती है। ये देखें जी, फयाज भाई ले रहे हैं जी, मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर। ये केले का रेट लेके जा रहे हैं, ये सबका रेट लिया है, अदरक का, ये वो सारा कुछ लिया है केले का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं ये हसब तौफीक जो है, रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपके साथ वादा किया हुआ है सब्ज़ी मंडी की रेट लिस्ट का, वो उसका ब्लॉग शेयर करते हैं जी। आज सब्ज़ी मंडी में क्या रेट से फ्रूट वाली जो है वो सिस्टम, फ्रूट वाले फल जहाँ फ्रूट बिकता है वहाँ रश ख़त्म हो गया है, फ्रूट्स भी ख़त्म हो गया है, सब्ज़ियाँ जो हैं उस पर थोड़ा बहुत रश होता है क्योंकि वो रोज़ाना की ग्रॉसरी का आइटम है, सब्ज़ी रोज़ाना खाई जाती है। फ्रूट तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी अय्याशी वाला सौदा हो जाता है फ्रूट, तो इस वजह से वहाँ रश कम है, फ्रूट भी कम हो गया। खरबूज़ा आया था आज, खरबूज़ा काफ़ी था लेकिन फिर भी आज खरबूजे का रेट कल से कम नहीं हुआ, कल जितना ही है। तो शुरू करते हैं जी रेट। आलू नया सफ़ेद वो 30 रुपये का किलो हो गया है आज, 150 रुपये का 5 किलो। सुर्ख जो है 36 रुपये किलो और 180 रुपये का 5 किलो। और आज 9 मार्च है 2023, इससे पहले आगे मैं आपको रेट्स बताऊँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मंडी के रेट्स के हवाले से पता हो कि मंडी में फ्रूट और सब्ज़ियों के क्या रेट चल रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। इसमें आपकी बेहतरी है, आपको अंदाज़ा हो जाया करेगा, अंदाज़ा हो जाता होगा कि रेट्स क्या हैं, तो उस हवाले से आपकी ख़रीदारी होती होगी। तो प्याज़ का रेट 120 रुपये किलो, 600 रुपये धड़ी प्याज़ का रेट आज अप हो गया है, 600 रुपये हो गया है, कल 590 रुपये का 5 किलो था। टमाटर 3200 रुपये किलो, 160 रुपये के 5 किलो हो गए हैं जी। बंद गोभी 12 रुपये और 60 रुपये के 5 किलो, 12 रुपये किलो। ये जैसे जैसे रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, बरकतों वाला महीना, रेट्स अप होते जा रहे हैं, आहिस्ता 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 ऊपर जा रहे हैं रेट्स। सब्ज़ मिर्च देसी 85 रुपये किलो और 425 रुपये की 5 किलो। सब्ज़ मिर्च फार्मी 65 रुपये किलो, 325 रुपये की 5 किलो जी। अदरक थाईलैंड का हो गया जी 520 रुपये किलो, ये 2600 रुपये का 5 किलो हो गया। अदरक का रेट 20 रुपये किलो आज जम किया है मंडी में। लहसुन चाइना 310 रुपये किलो, 1550 रुपये का 5 किलो, लहसुन का रेट भी जम किया है 10 रुपये। टिंडी 50 रुपये, टिंडी जो है वो 40 रुपये किलो और 200 रुपये धड़ी है जी। टिंडी मैं आज मंडी में 70 रुपये के हिसाब से लाऊँ, मंडी का बंदा होके टिंडी का रेट 40 है और मैं 70 रुपये लाया हूँ, लेकिन उस वक्त ये रेट लिस्ट नहीं आई थी जब मैंने टिंडी की ख़रीद की है, ये मेरी गलती है कि मैंने अगली सुबह सुबह जा कर टिंडी ख़रीद ली, लेकिन रेट लिस्ट जब आती तो उस हिसाब से टिंडी का रेट देना पड़ता। बैंगन जो है 50 रुपये किलो, 250 रुपये का 5 किलो, बैंगन ज़्यादा था आज मंडी में, 50 रुपये किलो बिका है। फूल गोभी 37 रुपये किलो, 185 रुपये की 5 किलो। लीमू चाइना 190 रुपये किलो हो गया जी, 950 रुपये का 5 किलो, 90 रुपये से 4 दिनों में नींबू का रेट 190 रुपये पहुँच गया जी। खीरा 45 रुपये किलो है जी, 225 का 5 किलो। शिमला मिर्च 90 रुपये से 490 रुपये किलो और 450 रुपये की 5 किलो। टिंडी 40 रुपये किलो और 200 रुपये की 5 किलो। गाजर 30 रुपये किलो, 150 रुपये की 5 किलो। सुहाजना 90 रुपये किलो और 450 रुपये का 5 किलो। सुहाजना मुरंगा की सब्ज़ी, अच्छा जी। मटर 60 रुपये किलो हो गए हैं, 300 रुपये के 5 किलो। शलजम का वही रेट चला आ रहा है जी, 20 रुपये किलो।
100 रुपये की 5 किलो। पालक का रेट बढ़ा है 8 रुपये किलो, 40 रुपये की 5 किलो। पालक का रेट भी इस वजह से बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा पालक का रेट बढ़ रहा है। रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, इस वजह से पालक का रेट भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि पालक की चलत ज़्यादा होती है। मटर 60 रुपये किलो है जी, तो मैं बता चुका हूँ। मूली 16 रुपये किलो, 80 रुपये की 5 किलो। धनिया की गुट्टी 5 रुपये और 25 रुपये की 5 गुटियाँ। करेले का वही रेट है जी, 190 रुपये किलो, 950 रुपये का 5 किलो जी। सेब काला कुल्लू अव्वल 255 रुपये। सेब का रेट काला कुल्लू का जो है वो कल वाला है, 1275 का 5 किलो, इसमें कोई जंप नहीं हुआ। सेब गोल्डन 230 रुपये और 1150 रुपये का 5 किलो जी। सेब सफ़ेद अव्वल 190 रुपये का 5 किलो जी, 950 रुपये का 5 किलो, 190 रुपये किलो, 950 का 5 किलो। देखें जी, सफ़ेद और काला, हाँ सफ़ेद सेब भी ऊपर रेट आ रहा है, क्योंकि फ्रूट चाट वगैरह सफ़ेद सेब की अच्छी बनती है, क्योंकि वो खाने में थोड़ा सा ठोस होता है और फ्रूट चाट भी उसी की जायके में, जूसेस के वाले में, उसमें जो जूस होता है, पानी होता है, वो दूसरे सेबों से ज़्यादा नरम नहीं होता, वो थोड़ा सख्त होता है। केला सफ़ेद सेब जो है जी अव्वल ही है, उसका दोइम का रेट नहीं है। किन्नू अव्वल 190 रुपये किलो, 950 का 5 किलो। किन्नू का रेट 10 रुपये कम हुआ है। किन्नू दोइम 140 रुपये किलो, 700 रुपये का 5 किलो जी। बेर अव्वल 120 रुपये किलो, 600 रुपये का 5 किलो जी। बेर दोइम 85 रुपये किलो, 425 रुपये का 5 किलो। बेर अमरूद अव्वल 110 रुपये किलो, 550 का 5 किलो जी। अमरूद दोइम 85 रुपये किलो, 425 रुपये का 5 किलो जी। अच्छा जी, सब चना 105 रुपये किलो हो गया जी, 525 रुपये का 5 किलो। 105 रुपये किलो के हिसाब से वो दाना जो है गुट्टे से निकला हुआ, पत्तों से अलहदा हुआ हुआ दाना 105 रुपये किलो। और सब चने का गुट्टा 65 रुपये का हो गया जी, 325 रुपये के 5 गुट्टे हैं जी। खरबूजे का रेट जो 190 रुपये किलो है जी, 950 रुपये का 5 किलो। खरबूजा का रेट वही जा रहा है। स्ट्रॉबेरी 250 रुपये किलो का रेट है जी, 1250 रुपये की 5 किलो है जी। कद्दूश्री 35 रुपये किलो हो गया, 175 रुपये का 5 किलो है जी। सब स्टोरी 135 रुपये की 1 किलो हो गई है और 675 रुपये की 5 किलो जी। ये 9 मार्च 2023 के रेट हैं जी आपकी मंडी के खानपुर के। इसमें लीमू के रेट 3-4-5 दिनों में पूरा 100 रुपया जम किया है, और आगे आने वाले दिनों में नींबू का रेट और ज़्यादा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे नींबू स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है रेट के हिसाब से। ये मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट जो मैंने आपको शेयर की है, मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट भी आपके साथ ये रेट लिस्ट शेयर करता रहूँगा। मैं तो स्वाब की नीयत से ये रेट लिस्ट शेयर कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को मंडी के रेट्स का पता हो, आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना कर सकें, लोगों को ना दे सकें, जो मंडी का रेट है उस हिसाब से आप ख़रीदारी कर सकें, अपना नुकसान ना कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटें अपनों में, दोस्तों में, गैरों में, क्योंकि आजकल सब खुशियों का भूखा है, प्यार का भूखा है, प्यार बांटें। अल्लाह ताला आप सबका साया आपके बच्चों पर हमेशा कायम दायम रखें। अल्लाह ताला आप सबको बीमारियों से, नागहानी आफात से, अस्पताल से, कचहरी से, थाने से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबका पर आपके वालदैन का साया हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला जिनके वालदैन वफात पा चुके हैं, अजीज़ व अकारब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त, हमसाए, जो जो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह ताला उन सबको करवट करवट जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये है जी मार्केट की रेट लिस्ट 9/3/2012 की जी।
ये सॉरी हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, जिसकी वजह से ये रेट लिस्ट आपको मेरे काबू में आती नज़र नहीं आ रही, नज़र आ रही है जी, काबू नहीं आ रही मेरे हाथों में। ये देखिए अब ये बेहतर है। ये मार्केट अफसरान के साइन,